आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पर okay. मेरे पास 100 शेयर्स हैं 565 के रेट पे, और ये लंबी अवधि के लिए होता है या ट्रेडिंग वाला मामला था? अच्छा, अब इसमें क्या करूं, लॉसेस बुक कर लूं या अभी होल्ड कर? हाँ, मैं समझ गया, ये लिया क्यों था? लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख रखा था या लिया था कि छोटे मुनाफे के साथ निकल जाऊंगी ट्रेडिंग करूंगी? नहीं, लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। है तो आज तक डिसअपॉइंटिंग, बाजार कैसा चला और ये स्टॉक लाजरी, मेरे ख्याल से 6-8 महीने हो गए दायरे में कंसोलिडेट ही कर रहा है। आईसीसी प्रूव करना क्या है, फंडामेंटली अच्छा है क्या, रखना है लंबी अवधि के लिए? क्योंकि मेरे को लगता है कई सारी मिस आउट अपॉर्चुनिटीज हो रही है इसको रखे रखे, 6 महीने से कुछ नहीं किया इसने। बिल्कुल, काफी टाइम से कुछ किया नहीं है, लेकिन एक दो हफ्ते से आशीष इसमें लगातार हायर हाईज और हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है चार्ट पे, और ये दर्शाते कि स्टॉक में थोड़ी सी तेजी बनना चालू हो गई है। ये तेजी की कंफर्मेशन आएगी एक बार अगर इसने 560 के ऊपर चलना चालू किया और उसके ऊपर के ही ये क्लोजेस देने लगा 555 से 560 के बीच में, तो फिर ये तेज होने लगेगा। मैम, वैसे भी आपकी कॉस्ट प्राइस को बहुत ज्यादा दूर नहीं है तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट्स में थोड़ा पॉजिटिव संकेत दे रहा है, उसी का फायदा उठाने के लिए मैं आपको अभी तो बने रहने की सलाह दूंगी। चाहे से तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बढ़िया स्टॉप लॉस तो 505 के स्तर पे आता है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन बेस्ट स्टॉप लॉस तो वही है, तो 505 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी अपनी पोजिशन को कंटिन्यू करिए। एक बार 560 का स्तर पार किया तो हाई चांसेस हैं कि 600 के ऊपर के स्तर भी दिखाए, 600-605 फिर उसके बाद के टारगेट्स रहेंगे, तो मुझे लगता है कि होल्ड करना बेटर चॉइस रहेगा। ऑल्दो बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन एक दो हफ्तों से जो चार्ट में इंडिकेशन आ रहे हैं उसकी वजह से मैं बने रहने की सलाह दूं।